कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज रात भर हमारे यहाँ बारिश हुई है और देख लीजिए, बारिश की वजह से ये फूल सारे झुक गए हैं। दिख रहा होगा आपको, झुक गए हैं। चलिए, मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिश की वजह से। ठंडा ठंडा घूमने जाइए, पकौड़ियाँ खाइए बना करके। जो मन सो तीखा चटपटा खूब खाने का मन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बाग बगीचों से घूम करके आ गई हूँ, उनको निहारती हूँ। पेड़ पौधे कैसे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं? तो फिर अब आ गई हूँ अंदर, तो बारी है अब नाश्ते की। तो चलिए देखते हैं कि आज नाश्ता क्या बनाती हूँ। बारिश तो हो रही है पर आज मैं मीठा कुछ खाने का मन हो रहा है तो मीठा ही बनाऊंगी। तो झटपट से चलिए देखते हैं कि घर में अगर झटपट से कुछ मीठा खाने का मन हो तो क्या बना सकते हैं। तो चलिए मीठे की तरफ चलते हैं कि थोड़ा पेट भी भर जाएगा उससे। तो ठीक है, चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर देखते हैं कि सारे दिन क्या करते हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा दूध का भगोना है और इसमें पहले से भी दूध और मलाई पड़ी हुई है। और यहीं पर हम डालेंगे ये 1 कप गेहूं का आटा। तो समझ ही गए होंगे कि क्या बनाने जा रहे हैं। तो और ये जितना मीठा खाना हो आप उतना चीनी डाल लीजिएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा बनाना है तो मैं 1 कटोरी आटा ली हूँ, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी लेंगे। और फिर मेरे भगोने में पहले से भी दूध था, अभी हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे बस। अभी और देखिए इसमें क्या क्या डालते हैं। इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे, पतला सा घोल बनाना है इसका अच्छे से, जैसे इडली का बैटर होता है बस उसी तरह से पहले इसको घोल लेंगे जिससे हमारी चीनी घुल जाए अच्छे से। फिर इसमें देखते हैं क्या मिलाते हैं। इसको अभी हम ऐसे ही इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नारियल कटे हुए और बादाम कूट करके डाले हैं, और ये थोड़े से इलायची का पाउडर है, मतलब कूटा हुआ इलायची है, छोटी इलायची। तो बस अब इनको इसमें डाल देंगे और ये हमारा बैटर रेडी है। तो चलिए इसका बनाते हैं। फिर मेरा तवा गर्म हो गया है, इस पर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। और अपना बैटर इस पर डाल देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा मीठा चीला, या छिलका भी इसको बोलते हैं। ये बच्चे बूढ़े जवान सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए सबको। तो ठीक है फ्रेंड्स, बना करके फिर मिलते हैं। तेज आंच में बिल्कुल मत पकाइएगा, थोड़ा धीरे धीरे आंच में पकाइएगा।
फ्रेंड्स ये चीला बनाने में ना वो जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे पकता है, थोड़ा टाइम लेगा, तो आप अपना टाइम के देख करके ही बनाइएगा। अगर जल्दबाजी मतलब जल्दी बनाना है तो थोड़ा सा टाइम ले ली मतलब पहले बनाना शुरू करिएगा खाने से। ठीक है, तो मैं इसको पलट लेती हूँ, एक हाथ से बन नहीं रहा है पलटने में। तो बस हमारा नाश्ता रेडी है, आइए करने हैं। ये हमारा नाश्ता मैंने दे दिया जिसको खाना है, और इसके साथ एक गिलास अगर छाछ मिल जाए ना तो बात ही बन जाए। तो ये हमारा छाछ तो हमारा रोज का नाश्ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए।